शीट नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ गिवन है, वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज का ग्राफ गिवन है? वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज का ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको इसमें? रेजिस्टेंस नहीं देगी, देनी चाहिए लेकिन, क्या देगी? ग्राफ कौन सा है? आई वी। अगर ग्राफ होता वी आई तो स्लोप होती V अपॉन I रेजिस्टेंस, ग्राफ है आई वी तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस, उल्टा हो एक्सिस चेंज हो गई ना। अब ये स्लोप क्या देगी? I अपॉन V, पहले थी V अपॉन I अब है I अपॉन V, तो I अपॉन V क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आए सबसे पहला काम ये देखना है कि ग्राफ वी आई है या आई वी है। अगर IV है तो स्लोप 1/R, अगर VI है तो स्लोप R। पहला स्टेप क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर दो टेम्परेचर हैं जिस पे रेजिस्टेंसेस गिवन है, तो इसमें एंगल क्या बना हुआ है? थीटा 2। इसकी स्लोप क्या होगी? टेन थीटा 2। इसका एंगल X के साथ कितना है? थीटा 1, तो स्लोप क्या होगी? टेन थीटा 1। मुझे क्वेश्चन में साफ पता लग रहा है किसकी स्लोप ज्यादा है, इस टी 1 की स्लोप ज्यादा है और टी 2 की स्लोप कम है। तो साफ पता लग रहा है कि अगर इसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका 1/R ज्यादा है और इसका 1/R कम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1/R1 ग्रेटर देन 1/R2? और अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो R2 ग्रेटर देन R1, राइट? क्लियर है। तो पहला आंसर, कौन सी रेजिस्टेंस बड़ी है? तो R2 बड़ी है, R1 छोटी है, एक आंसर, कोई डाउट इसमें, राइट? दूसरा आंसर, इज स्पेसिमेन ओमिक? ओमिक का मतलब होता है क्या? ओम लॉ फॉलो करती है, yes, क्योंकि V proportional to I है तो ओमिक है। नेक्स्ट है, एट वॉट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर? तो रेजिस्टेंस में R2 R1 से बड़ी है, R2 R1 से बड़ी है, तो R2 पे टेम्परेचर क्या है? T2, और R1 पे टेम्परेचर क्या है? T1। तो क्या बोलेंगे इसमें? कि T2 ग्रेटर देन T1, राइट? R2 बड़ा है तो T2 बड़ा है। विच टेम्परेचर इज हायर? कौन सा टेम्परेचर इसमें हायर है ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली R2 ग्रेटर देन R1, तो T2 ग्रेटर देन T1। जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा पढ़ें, क्या क्वेश्चन है? तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट के अंदर एक नई चीज लगी हुई है और ये ट्रायंगल और लाइन जिसको बोलते हैं डायोड।
अब डायोड की वर्किंग क्या होती है इसको ध्यान से देखो, ये डायोड होता क्या है। जो डायोड है ये हम सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे। डायोड का सिंबल ये होता है, एक ट्रायंगल और एक लाइन। ये ट्रायंगल जो बना होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, और जो लाइन है वो बनी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी और एन टाइप के कॉम्बिनेशन को पीएन जंक्शन या डायोड बोलते हैं, पीएन जंक्शन या फिर डायोड। इसकी वर्किंग कैसी है ये तो लंबी कहानी है इसमें। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक मान लो अगर बैटरी हमने लगा दी कुछ इस तरीके से ऐसे, और उसी तरीके से ये पी है और ये एन है, और बैटरी कैसे लगा दी, उल्टी बैटरी लगा दी, माइनस और प्लस कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट, क्लियर है यहां तक। अब अगर डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी बायसिंग है, ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसको क्यों बोलते हैं लंबी कहानी अभी नहीं बता पाऊंगा, पर इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, व्हेन पी विद पॉजिटिव एन विद नेगेटिव कनेक्टेड है। लेकिन जब उल्टा कनेक्टेड है, पी विद नेगेटिव एन विद पॉजिटिव, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। तो ये रिवर्स बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इसकी वर्किंग में मैं आपको सिखाऊंगा सेमीकंडक्टर्स में, कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो ये अपने अंदर से करंट को एज इट इज पास होने देता है, होने देगा, कुछ नहीं कहेगा, इसके रेजिस्टेंस ये जीरो कर लेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स बायसिंग में होता है और यहां से चाहो तो करंट पास करवाओ, तो ये करंट को पास होने नहीं देता, ये ब्लॉक कर लेता है करंट को। तो अगर सीधा कनेक्टेड है तो करंट को जाने देगा, उल्टा कनेक्टेड है बिल्कुल जाने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, ये इसका काम है। ऐसा क्यों करता है, लंबी स्टोरी है, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो डायोड लगे हुए हैं, ये एक बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। मुझे पता है कि प्लस इस पी के साथ कनेक्टेड है और प्लस एन के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला डायोड किस बायसिंग में है, रिवर्स, और ये फॉरवर्ड, तो पक्की बात है कि इस सेंट्रल वायर में तो करंट जाएगा नहीं, तो एक जाने देगा एक ब्लॉक कर लेगा, तो नीचे वाला डायोड ब्लॉक कर लेगा, ये जाने देगा, तो जाने देगा तो कितना करंट जाएगा, 6 / इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 50, इसकी कितनी है 150 प्लस 100, तो करंट क्या आएगा, 6 / 50 प्लस 150 प्लस 100, ये रहा करंट। तो करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। तो करंट आ गया, आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट टू 100 ओम रेजिस्टेंस, आंसर आ गया, करंट आ गया। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जो डायोड रिवर्स बायस्ड है उसको हटा दो, उसका कोई रोल नहीं है, वो करंट को ब्लॉक कर देगा। तो ठीक है यहां तक, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टू रेजिस्टर्स R1 R2 में बी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और पैरेलल। सेम बैटरी वी वोल्ट की है, तो वी वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, फिर उन्हीं को पैरेलल में लगा दिया। क्वेश्चन है कि इट इज रिक्वायर्ड दैट जूल हीटिंग फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 5 times दैट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में जो पावर है वो 5 गुना ज्यादा है सीरीज से, एंड जूल हीटिंग या पावर एक ही बात है, क्योंकि अगर हीट 5 गुना ज्यादा है तो पावर भी 5 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको R1 गिवन है, R2 निकालना है। तो रेजिस्टेंस पावर सीरीज में क्या होगी, V वोल्ट के साथ V² / R1 + R2, और पैरेलल में क्या होगी, V² / R1 R2 R1 + R2, लगा लिया। तो आपको पावर का फॉर्मूला यहां और यहां पुट कर लिया, V² कैंसिल हो गया, R1 क्वेश्चन में गिवन है, यहां से सॉल्व करके क्या गया, R2 आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नीट वाले, नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसमें लिख लो, मार्क कर लो, देखना भी नहीं है, ओनली फॉर मेंस या एडवांस, मेंस के साथ, नॉन मेडिकल में आ सकता है, मेडिकल में तो आता नहीं है और एनसीईआरटी में तो दूर दूर भी नहीं आएगा। क्वेश्चन है, आपके पास एक सोर्स गिवन है, ये सोर्स चार्ज सप्लाई कर रहा है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ए और बी कॉन्स्टेंट है और टी इसमें टाइम है, तो टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू कम हो चेंज हो रही है, तो क्यू की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब वो क्या कह रहा है, मुझे बताना है कि टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर 2R इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है जब करंट क्या हो जाएगा जीरो। तो टोटल हीट किस में, 2R में। अब 2R में अगर आपको हीट निकालनी है तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, 2R में जो हीट निकालनी है आपको इसमें करंट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप टोटल करंट I निकालेंगे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे I1 में और I2 में, जो भी है I माइनस I1 में, तो आपको टोटल करंट थोड़ा चाहिए, आपको इसका करंट चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट नहीं है, चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर करंट की वैल्यू निकालूं कि बैटरी अपने अंदर से कितना करंट बाहर निकाल रही है आए, तो आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, तो आई की वैल्यू आ गई, ये आई आ गया, करंट वेरिएबल है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसने कहा कि मुझे हीट निकालो जब करंट जीरो हो जाएगा, एक काम करो पहले ना आप करंट को जीरो कर दो, जब आप करंट को जीरो पुट करोगे तो आपके पास टाइम क्या आएगा ए अपॉन टू पी, यानी कि मुझे हीट निकालनी है जब टाइम जीरो से कितना हो जाएगा ए अपॉन टू पी हो जाएगा, तो टाइम आ गया जब करंट जीरो है। अब ये बताओ कि टोटल करंट की वैल्यू अगर आई है ये री, तो आई वन क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला आई करंट को डिवाइड करना है आर और टू आर में, रेशियो प्रोपोर्शन से कर लेना, वी की वैल्यू दोनों में सेम कर लेना, तो इसमें जैसे आई वन करंट है इसमें आई टू ले लेना, तो आई टू इंटू आर इक्वल टू आई वन इंटू टू आर, आई वन आई टू की क्या हो गई रेशियो, तो आई करंट को डिवाइड कर लेना। नहीं करना तो सिंपल एक काम करो, आई वन करंट है आई माइनस आई वन किरचॉफ लॉ लगा दो, अपने आप आई वन आ जाएगा, कैसे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई वन इंटू टू आर, करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू जीरो, सॉल्व करके I1 क्या आएगा I by 3, तो I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहां पर पुट करके क्या आ गया I1 आ गया। अब I1 करंट जो आएगा इसमें वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है चेंज, तो हीट भी अपनी जब हीट कैलकुलेट करेंगे I square RT, तो डायरेक्टली I square 2RT लगा नहीं पाएंगे, रीजन क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो हीट भी चेंज हो रही है, और जब करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो पहले स्मॉल हीट निकलेगी कैसे, I1 square 2R into dt, स्मॉल टाइम dt में स्मॉल करंट निकलेगा, सॉरी हीट निकलेगी I1 square 2R dt, और आपको हीट कब तक जनरेट करनी है, जब करंट जीरो हो जाएगा, जब करंट कब जीरो होगा a upon 2b टाइम पे, तो लिमिट लगेगी टाइम की जीरो से a upon 2b। I1 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, मैथ में इंटीग्रेशन सिखाएंगे आपको मैथ के टीचर, वैसे इतनी हमने की भी हुई है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैथ्स वाले करवाएंगे, नीट में नहीं आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, तो नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। इस क्वेश्चन ये आएगा दोनों में, ये देखो
सेल जिसकी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एस सप्लाईज अ करंट फॉर सम टाइम टी थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू सेपरेटली। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सपोज करो एक मिनट के लिए कि आपके पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ क्या है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर आर वन। तो करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर, तो करंट आ गया। तो ये करंट आ गया तो इसमें ये बताओ कि हीट क्या होगी, आई वन स्क्वेयर इंटू आर वन इंटू टी, ये हीट होगी इसमें। तो आई वन की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें तो ये टर्म आ जाएगी, तो हीट आ गई फर्स्ट में। सिमिलरली सेकेंड रजिस्टर आर टू लगाओगे तो हीट क्या आएगी, आर वन की जगह आर टू। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसमें हीट डेवलप्ड इन बोथ द केसेस आर सेम, इक्वेट कर दें, आपको आर वन आर टू गिवन है, स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, आंसर निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूज वाला क्वेश्चन। फ्यूज वाला क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप जरा क्वेश्चन पढ़ें और देखें जरा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, फ्यूज वायर विद रेडियस 1 mm ब्लोज एट 1.5 एम्पियर, इफ फ्यूज वायर ऑफ सेम मटीरियल ब्लोज एट 3 एम्पियर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, फ्यूज वायर सड़ जाएगी, टूट जाएगी जब उसमें करंट कुछ ज्यादा ही हाई हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, 1.5 एम्पियर पर ये सड़ जाएगी, और जब रेडियस कितना है इसका 1 mm है। बताओ रेडियस क्या हो कि वो 3 एम्पियर पर उड़ जाए। अब कैसी उड़ती है, उड़ने का मतलब क्या, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, वो टूट गई, सड़ गई। हीट कहाँ निकलती है, हीट सरफेस से बाहर निकलती है, सरफेस से, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πRL। तो हीट डेवलप कितनी होती है, पावर हीट डेवलप क्या होती है, आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस की वजह से, और बाहर हीट की फॉर्म में निकलती है, और हीट कहां से निकलती है, सरफेस एरिया से। तो हम सरफेस एरिया जानते हैं, इमेजिन करेंगे यहां पर एच का मतलब मान लो पूरी वायर के लिए कितनी हीट लॉस हो रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। हम ये क्यों कर रहे हैं, हीट लॉस पर यूनिट पर सेकंड क्यों ले रहे हैं, हीट लॉस निकालेंगे कितने एरिया में से और पर सेकंड का मतलब कितने समय में, क्योंकि देखो ना समय इसलिए जरूरी है कि हीट लॉस हुआ 2 जूल, एक स्टूडेंट कहता है हीट लॉस हुआ 6 जूल, एक 6 जूल वाला कहता है कि हीट लॉस, अब सुनने में लगता है कि हीट लॉस 6 जूल का ज्यादा हो गया, पर 6 जूल का हीट लॉस 1 घंटे में हुआ, 2 जूल का हीट लॉस पर मिनट हो रहा है, तो 1 घंटे में तो बहुत हो गया, तो यानी कि टाइम मैटर करता है इसमें। तो इसलिए हीट यहां पर h क्या लेंगे, हीट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब इससे क्यों लिया हमने, सरफेस एरिया 2πRL है, अगर इस टर्म को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से जो मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, हीट पर सेकेंड, और हीट पर सेकेंड क्या होती है, पावर, हीट पर सेकेंड तो पावर है, तो यहां पे ये भी क्या है, ये भी पावर है, तो पावर को पावर से इक्वेट किया, तो जो भी पावर जनरेट हुई हीट में वो सरफेस एरिया से बाहर निकल ली। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आर और आर मल्टीप्लाई
आर क्यूब। तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर करंट आई है फ्यूज वायर में, इन केस ऑफ फ्यूज वायर लिखें, इन केस ऑफ फ्यूज वायर आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब दो केस बनेंगे, पहले करंट आई वन है, रेडियस आर वन है, फिर आई टू, फिर आर टू। सॉल्व करके यहां से आर टू कैन बी कैलकुलेटेड, यहां से आंसर आएगा, राइट?